भोला अपनी माँ सरला देवी के साथ सागरपुर गांव में रहता था। अपने नाम की तरह ही वो भी काफी भोला था। वो खेती करके अपना और अपनी माँ का पेट पालता था। पड़ोस में ही उसका बड़ा भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। एक दिन सुबह भोला खेत पर जाने के लिए निकलता है। वो रास्ते में बड़बड़ाते हुए जा रहा था। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। पिछले साल भी फसल कुछ अच्छी नहीं हुई थी। अगर इस साल भी बारिश ज्यादा हुई तो सारा साल बिना अनाज के ही रहना पड़ेगा। तभी पीछे उसका भाई हरिया उसको आवाज देते हुए आता है। भोला, अरे ओ भोला, भोला क्या हुआ भैया, क्यों आवाज दे रहे हो? अरे कब से मैं तुमको आवाज दे रहा हूँ, हैं? तू सुनता क्यों नहीं है? अच्छा सुन, मुझे ना किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ेगा, तो क्या आज तुम मेरी जमीन खोद दोगे? बोलो ना भाई, कर दोगे क्या इतना सा काम? पर मुझे तो अपनी जमीन भी। अरे अपना कल कर लेना, आज तू मेरी जमीन खोद दे भाई। अगर मैं आज शहर नहीं जा पाया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अच्छा ठीक है भैया, मैं खोद दूंगा। अरे वाह वाह, ये हुई ना अच्छे भाई वाली बात। हाँ। अपना काम भोला के सर मढ़कर हरिया वहाँ से चला जाता है और थोड़ा आगे जाकर जोर जोर से हंसते हुए कहता है। अच्छा बेवकूफ बनाया मैंने उस भोला को, अब घर जाकर मैं आराम से सो जाता हूँ। बेचारा भोला सारा दिन हरिया के खेत में खुदाई करता है और आलसी हरिया घर में आराम से सो रहा होता है। शाम होते ही उसकी पत्नी रूपा उसको उठाते हुए कहती है, अजी उठ भी जाओ, और कितना सोओगे, सो सो कर पेट नहीं भरता तुम्हारा। अरे शाम हो गई क्या, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? कब से तो जगा रही हूँ, लेकिन तुम हो कि घोड़े बेचकर सो रहे हो। अच्छा अच्छा, अपनी जुबान जरा कम चलाया कर। अब मैं जल्दी से खेतों में जाकर देखकर आता हूँ कि कितना काम हो गया। लगता है अब तक तो उसने आधी जमीन खोद भी दी होगी। इसके बाद हरिया खेतों की ओर निकल पड़ता है। अपने खेत पर पहुंचकर वो चौंक जाता है। अरे वाह, इसने तो सारी की सारी जमीन खोद डाली, मेरा काम हो गया। अरे भैया, अरे हरिया भैया, आप आ गए, आपका शहर का काम हो गया क्या? हाँ हाँ भोला, मेरा काम हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया है। इसमें शुक्रिया कैसा भैया, अगर आपकी मुश्किल घड़ी में मैं आपका साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? आखिर भाई ही तो भाई के काम आता है। हाँ हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही भैया, है ना? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अगले दिन सुबह भोला अपने घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठकर किसी सोच में पड़ा हुआ होता है। तभी उसकी माँ सरला उसको आवाज लगाती है। भोला, अरे ओ भोला, जल्दी से आ बेटा, जल्दी से आकर खाना खा ले, मुझे और भी बहुत से काम है। अब आया माँ। ये ले, थोड़े से चावल बनाए हैं, खा ले। लेकिन माँ ये तो एक ही प्लेट है, आपकी थाली कहाँ है? बेटा मेरा पेट सुबह से भारी है, इसीलिए भूखी नहीं लग रही, तू ही खा ले। ए ऊपर वाले, मुझसे अपनी बूढ़ी माँ का और कष्ट नहीं देखा जाता, अब तो हमारे दिन बदल दे। भोला क्या सोच रहा है बेटा? माँ क्या मैं जीवन में कभी रुपयों का मुंह भी देख पाऊंगा? आपको ऐसे काम करता देख मुझे बहुत दुख होता है माँ, बहुत दुख होता है। बेटा जीवन में हर चीज का सही वक्त आता है, जब तेरा समय आएगा तुझे भी मिल जाएगा। कभी भी पैसों के पीछे मत भागना, सत्य के मार्ग पर चलोगे तो देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। खाना खाकर भोला खेतों पर काम करने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे हरिया मिल जाता है। अरे ओ पड़ोसी, अरे कहाँ जा रहे हो भाई? भैया आज जल्दी से मुझे अपनी जमीन खोदकर वो चमन चाचा के यहाँ पर जमीन खोदने जाना है। अरे लेकिन क्यों, वो भी तेरा रिश्तेदार लगता है क्या जो उस बूढ़े की जमीन खोदने जाएगा? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, उनकी उम्र हो गई है तो वो काम नहीं कर पाते, इसीलिए उनकी मदद करने जाऊंगा। अरे ये सब तो उस बूढ़े की चाल है तुझसे काम निकलवाने की। हाँ, सीधे और सच्चे बनकर कभी जिया नहीं जा सकता, समझे? ये चालाकी और धोखेबाजी मुझसे नहीं होती भैया। पिताजी की जमीन पर खेती करके जो फसल उगती है उससे मेरा और मेरी माँ का गुजारा चल जाता है, और माँ हमेशा कहती है कि जब समय आएगा तो ऊपर वाला मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि जरूर डालेगा। अरे जा जा, तू और तेरी माँ, तुम दोनों बस इसी भ्रम में रहना, बेवकूफ कहीं का। इसके बाद हरिया वहाँ से चला जाता है। वहाँ सामने एक मंदिर होता है। भोला हाथ जोड़कर मंदिर की तरफ देखता है और कहता है, हे ऊपर वाले,
हम पर भी अपनी कृपा दिखाना प्रभु। एक दिन भोला नींद में होता है तो वो सपना देखता है कि वो कहीं दूर जंगल में जा रहा होता है, तो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वो पेड़ जादुई पेड़ होता है। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठता है तो उसके ऊपर सोने की मोहरों की बारिश होने लगती है। फिर एकदम से भोला नींद से जाग जाता है। अरे सुबह हो गई है और माँ कहती है सुबह के सपने सच होते हैं, तो इसका मतलब मुझ पर सचमुच सोने की बारिश होगी। अगर ऐसा सच में हो गया तो मैं माँ को ढेर सारी खुशियां दे पाऊंगा। माँ, अरे ओ माँ, माँ कहाँ हो? माँ क्या हुआ भोला, सुबह सुबह क्यों इतना चिल्ला रहा है? माँ मैंने सपना देखा कि मेरे ऊपर सोने के मोहरों की बारिश हो रही है। तुम ही तो कहती हो ना कि सुबह के सपने सच होते हैं। पागल लड़का, अगर तेरे भाग्य में होगा तो तुझे जरूर मिल जाएगा। चल अब हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। भोला उस सपने के बारे में सोचकर खुशी खुशी खेत पर काम करने के लिए निकल जाता है। तभी हरिया उसे मिलता है। अरे वाह वाह, क्या बात है भोला, बड़ा खुश नजर आ रहा है। पैसे वैसे मिले हैं क्या? मिले नहीं पर मिल जाएंगे। वो कैसे, कोई जादू वादू करने वाले हो क्या है? नहीं भैया, मैंने सपना देखा कि मेरे ऊपर सोने की मोहरें गिर रही थी। अच्छा, ऐसे तो मैंने भी सपना देखा कि मुझे जमीन के नीचे से सोने की मोहरें मिली हैं। फिर तो हम दोनों के ही सपने सच होंगे, हम दोनों भाई अमीर हो जाएंगे। वाह वाह क्या बात है। फिर दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। भोला अपने खेत में खुदाई कर रहा होता है कि तभी उसे एक घड़ा दिखाई देता है। अरे ये क्या है, घड़ा जरा खोल कर तो देखूं। भोला वो घड़ा खोल कर देखता है तो उसमें ढेरों सोने की मोहरे होती हैं। फिर उसे याद आता है कि हरिया भैया ने कहा था कि उन्हें सपने में जमीन के नीचे सोने की मोहरे मिली थी। बेचारा भोला फिर अपना भोलापन दिखाता है और हरिया को जाकर बोलता है। क्या हुआ भोला, तुझ पर सोने की मोहरों की बारिश हो गई क्या? नहीं भैया, मुझ पर तो नहीं, लेकिन हाँ ऊपर वाले ने आपका सपना जरूर पूरा कर दिया है। मेरे खेत में जमीन के नीचे एक घड़ा है जिसमें सोने की मोहरे हैं। आपने कहा था ना कि जमीन के नीचे से सोने की मोहरें निकलेंगी, इसलिए वो सब मोहरें तुम्हारी हैं। सुबह का सपना सच हो गया भाई, बस अब ऊपर वाला मेरा सपना भी सच कर दे। अब आप जाओ और जल्दी से जाकर मेरे खेत से अपना वो सोने की मोहरों वाला घड़ा ले आओ। अब मैं चलता हूँ। भोला उदास होकर घर जाकर चारपाई पर लेट जाता है। ये भोला पागल है क्या है? जो सोने की मोहरें खुद ना रखकर मुझे दे रहा है। वैसे है तो ये पूरा बेवकूफ ही है। खैर मुझे क्या, मैं तो चलकर अपनी सोने की मोहरे ले आऊं। मजा ही आ जाएगा। वाह वाह वाह। कुछ देर बाद हरिया भोला के खेत में पहुंच जाता है और जब जाकर देखता है तो उस घड़े में सोने की मोहरों की जगह उसे ढेर सारी मधुमक्खियां दिखाई देती हैं। ये भोला तो बहुत तेज निकला, मुझे फंसाना चाहता था। ये मधुमक्खियां तो मेरा बुरा हाल कर देती। भोला तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया, अब देख मैं तुझे कैसे मजा चखाता हूँ। हरिया वो मटका अपने साथ ले जाता है और आधी रात को सीढ़ी लगाकर भोला के घर की छत पर चढ़ जाता है और उसकी झोपड़ी में छेद करके वो उस घड़े को उल्टा करके नीचे सो रहे भोला पर डाल देता है। भोला की एकदम से आंख खुलती है तो वो हैरान रह जाता है, उसके ऊपर सचमुच सोने की मोहरों की बारिश हो रही थी। माँ माँ देखो माँ, मुझ पर सचमुच सोने की मोहरों की बारिश हो रही है। माँ मेरा सपना सच हो गया। माँ अरे ये क्या है, मधुमक्खियां सोने की मोहरें बन गई। इसका मतलब सिर्फ घड़े के ऊपर ही मधुमक्खियां थी लेकिन उसके अंदर मोहरें थी। हे भगवान, काश घड़े को उलटने से पहले मैं एक बार देख लेता, ये मुझसे कैसी भूल हो गई, मेरे हाथ से आती हुई लक्ष्मी चली गई। हरिया को अपनी भूल पर बड़ा पछतावा होता है तो वहीं भोला और उसकी माँ खुशी से झूम उठते हैं। कोमल नाम की एक अनाथ बच्ची खानपुर गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। कोमल के घर में उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। वो अभी 6 साल की थी, उसे अभी अपने बाल बनाने भी नहीं आते थे जिसकी वजह से उसके बाल बहुत खराब हो गए थे। गांव के बच्चे भी कोमल को बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन कोमल गांव के बच्चों के पास जाती है। अरे देखो देखो कौन आया है, इसके बाल तो देखो, ऐसा लगता है जैसे कभी कंघी ही ना की हो। बाल नहीं घास है इसके सर पर तो। सभी बच्चे हंसने लगते हैं। कोमल रोते हुए वहाँ से चली जाती है
और अपने घर आ जाती है। उसके घर में पुरानी टूटी हुई कंघी पड़ी थी। मैं भी अपने बाल कंघी से ठीक कर दूंगी। वो उस कंघी से अपने बालों को कंघी करने लगती है, लेकिन उसके बाल इतनी बुरी तरह से उलझ गए थे कि उनको ठीक करना आसान काम नहीं था। माँ आप कहाँ चली गई? यहाँ कोई भी मेरे बाल नहीं बनाता, सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। मेरे बाल घास जैसे हैं। अगर आप होती तो मेरे बाल भी बाकी बच्चों की तरह सुंदर होते। कोमल जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन उसके घर में उसे सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ दिन बाद कोमल जंगल से लकड़ियाँ लेने जाती है। जंगल से लकड़ियाँ निकालते समय उसके बाल झाड़ियों में फंस जाते हैं। अरे मेरे बाल कहाँ फंस गए? बहुत कोशिश करने के बाद भी बाल झाड़ियों से निकल नहीं रहे थे। कोमल रोते हुए भगवान को याद कर रही थी। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? मेरे बाल बहुत दुख रहे हैं, मेरी मदद करो भगवान। और तभी वहाँ लगे एक बड़े से पेड़ से आवाज आती है। तुम रोना बंद करो, मैं अभी तुम्हारे बाल निकालता हूँ। तभी पेड़ की जादुई शक्ति से कोमल के बाल झाड़ियों से निकल जाते हैं। कोमल डरते हुए उस पेड़ की तरफ देखती है। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जादुई पेड़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं होते तो मैं जंगल में ही रह जाती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं लकड़ियाँ लेने आई थी यहाँ, लेकिन मेरे बाल घास जैसे हैं, इसलिए झाड़ियों में उलझ गए। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, घर में मेरा ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं था, और न ही मुझे बाल बनाना आता था। तभी से मेरे बाल ऐसे घास जैसे हो गए। मैंने इनको ठीक करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन अब ये ठीक ही नहीं होते। मेरे ऐसे बाल देखकर मुझे गांव के सभी बच्चे भी चिढ़ाते हैं। ऐसा बोलते हुए कोमल की आंखें भर आती हैं। अब तुम्हें कोई नहीं चिढ़ाएगा। तभी वो जादुई पेड़ अपनी शक्तियों से कोमल के बाल सुनहरे रंग के कर देता है। अरे मेरे बाल सोने के बाल हो गए। कोमल अपने सोने के बाल देखकर बहुत खुश होती है। अब तुम्हारे बाल सोने के बाल बन गए हैं। तुम्हारे बाल दुनिया में सबसे सुंदर होंगे। अब तुम्हें कोई भी घास जैसे बाल बोलकर नहीं चिढ़ाएगा। कोमल अब घर आ जाती है। उसे रास्ते में जो भी देखता है उसके सोने के बाल देखकर सब हैरान हो जाते हैं। दो औरतें आपस में बातें करती हैं। अरे वो देखो सोने के बाल वाली लड़की कितनी सुंदर लग रही है। अरे ये तो कोमल है, इसके बाल तो घास के जैसे थे, इसके बाल इतने सुंदर कैसे हो गए? गांव में चारों ओर सिर्फ कोमल के बालों की ही चर्चा हो रही थी। कोमल भी अपने सुनहरे रंग के बालों को देखकर बहुत खुश थी। सब लड़कियां कोमल से बालों का राज पूछती हैं। ऐसे ही समय बीतता गया और कोमल भी अब जवान हो गई। सुनहरे बालों के साथ उसकी जवानी और भी निखर कर आती थी। अब वो बहुत सुंदर हो गई थी। एक दिन दूसरे राज्य का राजा भी खानपुर गांव के जंगल में शिकार करने आया था। शिकार करते करते राजा अपने सिपाहियों से अलग हो जाता है। तभी राजा को एक हिरन दिखाई देता है और उसके साथ हिरन का बच्चा भी था। राजा उन लोगों का शिकार करने उनके पीछे भागता है। हिरन अपने बच्चे को साथ लेकर भाग रहा था, लेकिन हिरन का बच्चा झाड़ियों में उलझ जाता है, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पा रहा था। अपने बच्चे को ऐसे देखकर हिरन भी वहीं रुक जाता है। पीछे से राजा देखता है हिरन का बच्चा वहीं फंस गया है। अब कहाँ जाओगे अपने बच्चे को छोड़कर, अभी बताता हूँ। तभी अचानक कोमल भी वहाँ आ जाती है। कोमल उस बच्चे को देखती है तो हिरन के बच्चे को छुड़ाने लगती है। अरे घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ आई हूँ। तभी राजा देखता है सुनहरे रंग के बालों वाली लड़की हिरन के बच्चे को झाड़ियों में से निकाल रही थी। राजा उसके सुनहरे बालों को देखता ही रह जाता है। इतने सुंदर सुनहरे रंग के बाल, आखिर कौन है ये लड़की जिसके सोने के बाल है? मैंने आज तक इतने सुंदर बालों वाली लड़की नहीं देखी। राजा ये सोचते हुए आगे जाता है और जैसे ही उस जगह पहुंचता है तो वो देखता है कि हिरन और उसका बच्चा वहाँ नहीं थे और वो सुनहरे रंग के बालों वाली लड़की भी वहाँ नहीं थी। अरे अब कहाँ चली गई वो लड़की, अभी तो यहीं थी। कुछ देर के बाद राजा के सिपाही भी वहाँ पहुँच जाते हैं। राजा अपने सिपाहियों से कहता है, मैंने अभी अभी एक सुनहरे बालों वाली लड़की को यहाँ देखा था, उसके बाल सुनहरे रंग के
बहुत ही सुंदर बाल हैं। जाओ जाकर सारे गांव में पता करो कि वो लड़की कौन है, मुझे उससे शादी करनी है। तभी राजा के सिपाही गांव में जाते हैं और गांव वालों से पूछते हैं, इस गांव में सुनहरे बालों वाली लड़की कोई रहती है? हमारे राजा उससे मिलना चाहते हैं। हाँ, कोमल बिटिया के बाल सुनहरे रंग के हैं और वो सामने वाली झोपड़ी में रहती है। सिपाही अपने राजा के पास जाते हैं और उन्हें कोमल के घर ले जाते हैं। राजा झोपड़ी के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और आवाज देते हुए कहता है, कोई है अंदर? राजा की आवाज सुनकर कोमल बाहर आ जाती है। राजा दरवाजे के बाहर खड़े थे। जी कहिए। राजा कोमल को देखते रह जाते हैं। कोमल सुनहरे रंग के बालों के साथ बहुत सुंदर लग रही थी। जितने सुंदर बाल उतनी सुंदर सूरत, अब तो यही मेरी पत्नी बनेगी। अपने माँ बाबा को बुलाइए, हमें उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। कोमल बताती है कि उसके घर में कोई नहीं है, वो अकेली रहती है, उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। राजा कोमल को अपने बारे में बताता है, मैं सूरत का राजा हूँ और यहाँ शिकार करने आया था। मैंने तुम्हें जंगल में देखा था, जिस हिरन के बच्चे को आपने छुड़ाया था, मैं उसका शिकार करने वाला था, लेकिन तुम्हारे सुनहरे बाल देखकर मैं तुम्हें देखता ही रह गया। क्या आप उस हिरन का शिकार करने वाले थे? लेकिन क्यों, इतने प्यारे जानवर को आप क्यों मारना चाहते हो? हमें आप बहुत पसंद हैं, हम आपसे शादी करना चाहते हैं, और हाँ, अगर आप हमसे शादी करने को तैयार हो गई तो मैं अभी से शिकार करना छोड़ दूंगा। राजा की इस बात ने कोमल का दिल जीत लिया था और पहली बार इतने बड़े राजा ने कोमल को शादी के लिए पूछा था। कोमल भी इतने बड़े राजा को मना नहीं कर पाई, क्योंकि वो बचपन से ही अकेली रह रही थी और कभी उसने ऐसा प्यार नहीं देखा था। फिर वो राजा गांव के मंदिर में जाकर सबके सामने कोमल से शादी करता है और कोमल को अपने साथ अपने महल में ले जाता है। राजा कोमल से बहुत प्यार करता है और कोमल के कहने पर वो शिकार करना भी छोड़ देता है। अब कोमल के पास हर खुशी थी, बचपन से ही वो जिस प्यार के लिए तरस रही थी वो उसे अब मिल जाता है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।